शाम 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मैक्सिको में मौत का कहर। जी हां, मैक्सिको यानी कि लैटिन अमेरिकी देश में आए इस भूकंप ने 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। तीन तस्वीरों से लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको में आए भूकंप का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहां आंधी की तरह भूकंप आया और मैक्सिको की इमारतों को पेड़ की तरह हिलाकर चला गया। सात दशमलव एक तीव्रता के भूकंप में मैक्सिको की 44 बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। धूल के गुबार ने मैक्सिको सिटी को ढक रखा है। शहर मलबे में तब्दील हो गया है और चारों तरफ सिर्फ भगदड़ और चीख पुकार मची है। भारत में रात के 11:40 का वक्त था, तब मैक्सिको में दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। उसी समय भूकंप आया और तबाही के निशान छोड़ गया। मैक्सिको में आया ये भूकंप इतना खतरनाक था जिसने सड़क का सीना चीर दिया, इमारतें जमींदोज हो गई और सिर्फ 4 सेकंड में चारों तरफ तबाही ही तबाही। नहर में उठे जलजले ने छोटी छोटी रंग बिरंगी नावों को झकझोर दिया है। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैक्सिको सिटी के मशहूर फ्लोटिंग गार्डन की। फ्लोटिंग गार्डन आम दिनों में कुछ ऐसा दिखता है। इस नहर का पानी एकदम शांत है, लेकिन भूकंप के वक्त की तस्वीर कुछ ऐसी है। भूकंप ने मध्य मैक्सिको में भारी तबाही मचाई है। इस इमारत को देखिए, कैसे झटका लगते हैं, इसमें से आग की लपटें निकलने लगती है। यहाँ धरती इतने जोर से हिली है कि सिर्फ इमारतों को ही नहीं बल्कि सड़कों को भी निगल गई। इस सड़क में जगह जगह दरार पड़ी है। आगे बढ़ने पर दिखता है कि इसका बड़ा सा हिस्सा जमीन में धंस चुका है। तस्वीरें बता रही हैं कि साल 1985 में आए मैक्सिको में भूकंप के बाद ये दूसरा सबसे भयावह भूकंप है। पिछले 30 घंटे से मैक्सिको जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और इसकी गवाही ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें दे रही हैं। आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतों वाला शहर मैक्सिको सिटी भूकंप के बाद अब कुछ ऐसा हो गया है। भूकंप के बाद यहां जहां तहां इमारतें गिरी हुई हैं। सड़कों पर जेसीबी मशीन के जरिए राहत बचाव काम चल रहा है। भूकंप का केंद्र राजधानी मैक्सिको सिटी से करीब 170 किलोमीटर दूर प्यूबला प्रांत में था, जो दिल्ली से करीब 14,700 किलोमीटर दूर है। एक जेसीबी मशीन मैक्सिको सिटी की इमारत से मलबा हटा रही है। आशंका है कि इसमें लोग फंसे हो सकते हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि मैक्सिको सिटी की लगभग हर इमारत को भूकंप ने नुकसान पहुंचाया है। यहां के लोग घरों में जाने से डर रहे हैं। डरे हुए लोगों ने रात सड़कों पर ही बिताई। मैक्सिको के लिए मनहूस है 19 सितंबर। 19 सितंबर 1985 को ही सबसे ज्यादा भयावह भूकंप आया था मैक्सिको में। 1985 के भूकंप में 10,000 लोगों की जान चली गई थी। 32 साल के बाद एक बार फिर से 19 सितंबर को फिर से भूकंप आया। 7.1 तीव्रता ने 13 करोड़ की आबादी वाले मैक्सिको को झकझोर कर रख दिया है। करीब 2,500 भारतीय वहां रहते हैं और हर साल 30,000 भारतीय मैक्सिको घूमने जाते हैं। लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको समुद्री बीच और पहाड़ों के लिए मशहूर है, लेकिन इस वक्त वहां पर चारों तरफ तबाही ही तबाही देखी जा रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।